अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एक-एक करके चीज़ें आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, चल क्या रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन आप पहले इस नज़ारे का आनंद लो। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि आप आनंद उठाते हैं सभी कार्यक्रमों का अपनी बोली अपनी भाषा में दिल से। तो ये वीडियो की जो लैंग्वेज है ये हिंदी प्लस गढ़वाली होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ढुंगली गाँव। मैं पहले भी जा चुका हूँ और ढुंगली में जो दिलीप भाजी है उनका व्यू है। आज मेहंदी है वहाँ पे असल में, तो मेहंदी में जा रहे हैं स्पेशली आज हम उनकी, और सब धाणी तैयार हैं। भैया भाभी लोग भी जा रहे हैं साथ में। ये आ चुके हैं मिस्टर राजीव चमोली जी, ये साथ में हैं मिस्टर अर्जुन चमोली जी एंड भाभी भी साथ में हैं। अर्जुन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा अर्जुन, बोलो। शादी में नाना के घर, बट नाना के घर नहीं जा रहे हम। क्या बोलेगा ये दिलीप भैया को? मौसा जी बोलेगा। बेटा मौसा जी के घर जा रहे हैं, मौसा जी के घर। अभी जहाँ हम जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं। अभी ये स्कूल तक हम आ चुके हैं जो कि ढुंगली का स्कूल है। यहाँ पे मतलब ये रास्ता अभी तो हमको पैदल काफ़ी जाना पड़ेगा, नीचे बहुत टाइम लगेगा। अभी आगे का नज़ारा देखो आप, सनसेट हो रहा है बढ़िया। ये पहाड़ शानदार पहाड़। चलो अभी आगे जो जा रहे हैं भाई जी, इन्होंने मेकअप कर दिया हमारा बिल्कुल खतरनाक वाला वाइट मेकअप। ये देखो धूल मिट्टी उड़ा के ले जाएगी। कोई यहाँ नेचुरल मेकअप की दुकान जो गई है भी आगे से, लगा आपको कुछ फर्क उससे? गोरे हो गए। गोरे हो गए सबके सब, मेरे चेहरे पे भी नेचुरल फिल्टर पड़ गए। देखो हम सोच रहे थे कल के दिन कल के लिए भी ले जाएं। नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट मिलता पहाड़ में ऐसी। जोक्स अपार्ट, बाकी थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है ये तो। और दिल्ली भाजी तुम्हारे ब्योग खातर देखा, खेर नेटरी मिटाए हैं हम लोग, अरे प्याज लाउंड कटेरी मिटी जाए। देखा ठीक है ना दिल्ली भाजी, तुमने बोला तुम हमारे ब्योह बनिया है तुम्हें। कांडाताल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, देखो कितनी प्यारी जगह है। ये चांद देखो यहाँ सामने, यहाँ से कहाँ जाना भाई? नीचे है ना, बढ़िया। क्या बोल रहे हो? चलते रहे, मुझे पता है भाई, चलते रहे तू, चलते जाना है। वो सबसे बढ़िया नज़ारे तो सामने दिख रहे हैं, जो सामने की तरफ जो नज़ारे हैं नहीं, ये देखो बहुत ही बढ़िया। दस बैग का इतना उठा के जाना पड़ रहा है, अब खगोड़ना पड़ेगा। वही तो, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो यहाँ। अर्जुन अर्जुन बैठेगा गाड़ी में। थैंक यू अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हाथ बचाने के लिए, ये तो मेरे हाथ तक जाती यार। लेकिन आगे देखो कितना मस्त लग रहा है ना सनसेट, बढ़िया लग रहा है। कांडाताल सच में बहुत बढ़िया जगह भी, वंडरफुल प्लेस। आहा हेलो, बड़ा जी प्रणाम। आप नहीं जानते दिलीप भाजी क्यों हेलो ना? बिल्कुल भी। ये ढुंगली की लास्ट पार्किंग है सिर्फ स्कूटी और बाइक के लिए। लास्ट टाइम भी हमने स्कूटी यहीं पार्क की थी, याद आ रहा है मुझे पुराना दिन। अब यहाँ से आ गया स्टार्ट रास्ता, उबड़ खाबड़ खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है, इसलिए इसको बंद करो दोबारा से। चलो मैं फंडू बंद हो जाए, टायर ही निकलता। टायर कोई बात नहीं, दिलीप जाजू को बोलना मैं टायर ला देना हमारे बैग के लिए, आपके साथ में टूटे। ये ढुंगली की एक और पार्किंग, वन मोर पार्किंग इन ढुंगली। नाइस देते हैं आपको हम ढुंगली जो है, ढुंगली हम वहाँ रोड से नीचे के लिए कटे थे, बट ये जो आगे है मतलब चोपड़ल गांव से आगे जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है कांडाताल। वो सामने की तरफ कांडाताल दिख रहा है जमीन। और सबसे बढ़िया चीज़ आपको सुरकंडा देवी माता जी का मंदिर दिखाते हैं, आज नवमी का दिन है तो बिल्कुल आपको दिखाना बनता है। मम्मी के सामने जहाँ पे मैं जूम करूँगा ये सुरकंडा देवी माता का मंदिर है। तो ये जो टॉप माउंटेन है तो वहीं पर है माँ सुरकंडा देवी का मंदिर। जय माँ सुरकंडा देवी माता, आप सभी लोग तो हैं अपना आशीर्वाद ध्यान आ रही हूँ यूँ नवरात्रि में जी, सभी लोगों का जितना भी बिगड़ा काम चलूँ तो सफल बने और ये नहीं होलू, सब कुछ बढ़िया होलू भाई। हौसला रखें, मजा लो और मस्त रहें, मस्त स्वस्थ और थोड़ा थोड़ा इच्छी इच्छी व्यस्त व्यस्त भी आते वाला। आज आज बहुत सारे गाने बजेंगे खतरनाक खतरनाक, तो मैं मेरे को याद आ रहा है गाना, कौन सा लगाना बता आपको कि हम दगड़ी नच राणो ये भी तुम्हारो हे दोस्त क्या वाह। मंगलेश जंगल का गाना है, बताओ कौन सा गाना है जल्दी बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन गाने के नाम बताना मुझे, ठीक है? आप कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं? घास काटी खाई छोरी, घास काटी खाई, ये है गाने का नाम, तो है ना। आगे की लाइन बताओ,
भाई डुंगली का दिन ये बिल्कुल दोबारा याद आने वाला है। दिखा तुम एकदम ढंगार भी है, ठंडा। ये दिखा ये देखो यहाँ पे, ये तो भाई खड़मड़ के भाई जब भी ब्रेक 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 अरे रुक जा भाई, जल्दी रुक, ओहो आ जाओ भाई, वेरी गुड। देखा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अर्जुन कैसा लगा? हाँ देखा तो ने चाचा ने अभी क्या किया, एक्शन पता ना मजा आता था, खत्म। कुछ शादी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, अभी बताऊँ या बाद में बताऊँ? चल अभी एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। जैसे जो दिलीप भाई जिनकी शादी है, उनके जो बड़े भाई हैं वो दुबई में रहते हैं और उनको मैं मिला भी हूँ। उनका नाम है संदीप भाई और संदीप भाई अभी आ रखे हैं शादी में, बट वो उनका मतलब बड़ी मुश्किल से वो अपनी छुट्टी वुट्टी लेके आ रहे हैं और उनसे बात करेंगे जिससे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। और फैक्ट ये है कि जो बारात है ये बहुत ही स्पेशल जगह जा रही है, तो आप गेस कर सकते हैं स्टूडियो में कि बारात कहाँ जाने वाली है, तो आप बताना मुझे, ठीक है। मैं आपको पहले रिवील नहीं करूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना बारात कौन सी जगह जाएगी, तो उसके बाद तब जाके फिर मज़ा आएगा, फिर आप गेस करो और फिर बताएंगे आपको। तो जैसे 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 हम नीचे जा रहे हैं और रोचक नज़ारा दिखते जा रहे हैं, नीचे देखो ये क्या है भाई, नीचे बताओ ये क्या है, ये पत्ता गोभी है ना, पक्का पत्ता गोभी है। तो भाई देखो पत्ता गोभी की सब्जी है नीचे की तरफ, इतनी सारी एक देखो शरा भाई कहा है मटर, ओ ये देखो भाई ये मटर, जहाँ जूम मारा मैंने मटर और पत्ता गोभी की सब्जी, और नीचे चलते हैं अब आगे नहीं पत्ता नहीं क्या मतलब और हरे राम। चला भाई बताना चाहता हूँ जहाँ जहाँ ये नीचे नीचे उतर रहे हैं, घुटने की जो कटोरी होती है ना वो भी यहाँ घिसना शुरू हो गई है सब। अब मेरे को वही लग रहा है कि जब भोग बारात ऐच आएगी पहाड़ में, मतलब मत्थी रोड पे जाएगी जब बारात, तभी इन उजलो गौना को ना बिल्कुल गौना पड़े हो जाए खतरनाक। लेकिन चला कोई नहीं, हिम्मत कर दो और अगले चल जाओ। तो रेस्ट ले रहे हम 5-10 सेकंड का रेस्ट, क्योंकि राज भाई रुकी डर से भाग रहे आगे बहेंगे, ओहो थकान लग गया रही आते आते। अब बाट पहले उद्याड़ थे, फिर अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, सैंड चलने खाते मड़ो चला कोई नहीं हो रही। हाँ जी ख़त्म नहीं हो रहा वीडियो, मेरे को लग रहा है यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, रास्ते ही ख़त्म नहीं हो रहा भाई जाने के लिए, बट ज़्यादा नहीं अब थोड़ा सा रह गया वो सब। उसके बाद जब दिलीप भाई से एक बार हम मिल जाएंगे, उसके बाद ये एपिसोड 1, 2, 3, 4 में निकालूंगा मैं उसको आराम से, तो डी वाई सीरीज निकाली जाएगी आपके लिए, ठीक है। आज का एपिसोड आज ही एंड करेंगे हम। कहाँ है घर, याद आपको घर कहाँ पे? चलो भाई चलो भाई अर्जुन आज बैठ तेरे मौसी जी का घर तक याद रहेगा जिंदगी भर। आज पहली बार जा रहे ना ये, आज अर्जुन पहली बार जा रहा है आज मौसी का, याद रहेगा उसको निकार वो खुशी के पल और ऐतिहासिक क्षण आ चुके हैं जबकि हम पहुंचने वाले हैं। चलो भाई पहुंच गए, ये रहा शादी वाला घर, ये दिलीप बैजू को शादी को टेंट भी दिखेगा हमसे, और पहुंच गया हम एक शादी मंजी ब्योह मंजी पहुँच गया। ओहो फाइनली वी आर हियर। ये कौन है भाई, जिंदगी में यही बैग लेना हमेशा अमेरिकन टूरिस्ट का, बहुत रगड़ रगड़ लाया मैं इसको, बट अभी भी जब तारीफ करो तब खराब हो जाता है। तो क्यों नहीं होगा, हाँ भाई स्वागत कर भाई ये। चलो भाई वाह नमस्ते प्रणाम भाई प्रणाम, खासी हो गई भाई पहुंच गया। आपको मैं क्या बोलूंगा, बाजी बाजी क्यों, तो फिर क्या बोले, दीदी प्रणाम। और कैसे चल रही तैयारी, कैसे शादी की बताओ? बहुत बढ़िया बस, पक्का चला जा, देखो टाइम से पहुंचे कि नहीं पहुंचे हम? बहुत टाइम से पहुंचे, ठीक है। कब आपका पहुंचे, मैं तो पढ़ते हैं ये शादी है। तेरा नाम बता, अपना नाम बताइए जरा।
आप मुझे नाम पता नहीं? नहीं मेरे को नहीं पता, सिस्टी डिस्टी में से एक है। क्या है नाम? क्रिस्टी तो नहीं है? इशिका है नाम। अरे मैं तो भूल गया। अरे बता मम्मी को भी बेटा। बेटा हैप्पी बर्थडे, मोस्ट वेलकम। अर्जुन हैप्पी बर्थडे बोलो दीदी को। अर्जुन ये नहीं बोलेगा हैप्पी बर्थडे। अर्जुन बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे दीदी। इधर आ जरा, इनमें कोई बता शादी किसके बोलती है? बता चाची की शादी है। कौन सी चाची की शादी आज? छोटे चाची का नाम बतायो। मिस्टर दिलीप जबराल जी की शादी है। और चाची जी है कहाँ ये बताओ? पूजा पाठ कर रहे अभी। ओके चलो मैं ब्रेक कर लूँगी। बहुत अच्छी लग रही है आज, बहुत बढ़िया लग रही भैया आज। लड़की तो लुकिंग वेरी नाइस ब्यूटीफुल। नमस्ते दीदी प्रणाम। अरे वाह बहुत बढ़िया लग रहा आज, बहुत ही बेहतरीन हमेशा की तरह। नमस्ते बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया। अजी नमस्ते पार्टी क्या? बहुत बधाई आपते, बहुत बधाई आपते, सब बढ़िया ढेर सारी बधाई आपको। सबसे पहले मिली है चाय, गरम गरम चाय, बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने एक अंदर से पहना यार, ये बाहर भी जैकेट पहन रखी है। जाड़ तो अतिवा देखा, जाड़ भगाने की खातिर यानी कि सर्दी भगाने के लिए चाय काफ़ी है, इनफ। हाँ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिनकी शादी है उनसे आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप गेस करो कि शादी यानी कि बारात कहाँ जाने वाली है, ठीक है? बोलते हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब अगर आप लोग नए हैं चैनल में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त इनके आशीष होने की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। चीयर्स।